इधर बिगाड़ देंगे। राकेश जी इधर आ जाओ, इधर इधर खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ। एक सेकंड, हाँ भाई। अरे क्या, हाँ भाई, एक ही से हूँ। अरे नीचे उतार तो बहुत ऊपर। हाँ वो मैंने, वो मेरा ही है। अरे नीचे थोड़ा, नहीं वो मेरा, मेरा बाल यार, बाल इधर इधर, हाँ बाल थोड़ा सा दूर करो। बैठ जाइए। 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या नुकसान नुकसान नहीं बोला, इसका कुछ बोल नहीं पाता ठीक। नुकसान बोला, नुकसान। हाँ जी हाँ जी। अरे जिसका काम नहीं भाई साहब, आप चले जाइए ना। हाँ जी हाँ जी, आप तो इधर तो आओ, कोने में आप तो एकदम कोना क्यों पकड़ रहे हो। हाँ जी हाँ जी बोलो। गाना है कोई भूत पीछे उड़ा रहे यार, कोई पागल है पता नहीं। उसने मेरे को जूली में देखा बिग बॉस में, उसमें मैं भूत बनी, तो वैसा फालतू का गाना किसी ने बनाया, भूत 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 की माँ की। आगे समझ जाओ। अरे नहीं क्या है ये भूत 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 की माँ की, और क्या है। कल से मैंने वो गाना देखा है, कल परसों से मैं सो नहीं पाई हूँ। ये लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पे ऐसे गाना बनाते हैं लोग, और मैं कहाँ से भूत लग रही हूँ। मैं आप लोगों को भूत लगती हूँ क्या? नहीं, नहीं। है? लेकिन वो गाने में था क्या आगे? सुनाती हूँ गाने में क्या था। कोई पागल बंदा है। आजा भाई पूरा करो ना, क्या करो तो कैमरा तो करो। अरे बाप रे, बंदर को भूत को गाली तो देनी चाहिए ना पीछे ले। और भूत मैं थोड़ी हूँ, भूत तो सबको कोरोना लाया और सबको अफगानिस्तान में सबको लड़वा रहा है। ये देखो कितना पागल आदमी है ये, भूत 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 की माखी। उसमें वो पहले पहले माखी था, अभी वो किसी ने बिप मार दिया शायद। सो गलत, मेरे को तो ये बंदा मिल जाए ना, मैं इसको ऐसा मारू ना पकड़ के, उल्टा टांग दो और नीचे मिर्ची का धुआं लगा दो। नहीं नहीं तेजाब डाल दो, उड़ता रहेगा। हाँ देखो ना राखी जी, नहीं बड़ो सुगर, बट ये बात तो है कि भूत को गाली दे रहा है। पहले मुझे ऐसा लगा कि बुरा लगा कि हाँ ठीक है, इसने मेरे पे भी वीडियो बनाया। सारे जूली का जो कैरेक्टर था मेरा भूत का, वो सारे वीडियो निकाल के बिग बॉस में से वो भी उसने मुझे भेजा है वीडियो बना के। कौन कौन तो भेजते रहता है ना, टैग करते रहता है, तो उसने मेरे सारे वीडियो निकाल के अपना गाना डाल के बनाया। नहीं भूत को तो गाली देनी चाहिए ना एक्चुअली, बुरे भूत को। और भूत तो भूत ही होता, चाहे बुरा हो या अच्छा। अच्छा अच्छा ऐसा भी है क्या, भूत अच्छे काम करते हैं क्या? कोई खाना खिलाता है। जूली अच्छी थी। अबे ओ जूली भूत है लेकिन अच्छी वाली है, किसी का बुरा करने वाली तो नहीं बोला है। खाना खिलाती है। कल बिग बॉस में बोला वाइल्ड कार्ड एंट्री है, कहीं आप तो नहीं जा रहे? सस्पेंस। बिग बॉस की तो अभी मैं एकदम अच्छा। आप लोग ने मेरा वीडियो देखा कि नहीं? मैं आप लोग को बिग बॉस दिखाए, थोड़े काले हो गए थे, फेशियल करना है उनका। देखा था कितने काले कितने मोटे हो गए बिग बॉस। हाँ सोए थे ना, उड़ भी गए। हाँ यार आपने जवाब नहीं दिया मेरे कुछ। किस बार तो इशारा कर दिया ना, इशारा कर दिया आपने ऐसा। बाबा कुछ तो बाकी रखो उनके लिए, ओटीटी वालों के लिए, कि हर चीज तुम ले लोगे। तुम कितना डर स्टोरी भी रखी है कि आपने बिग बॉस को भी गाले कर दिया, उनके गाना बनाया। तो भूत से रिलेटेड ही बात करना चाहूंगा, जिसने ये जो गाना बनाया उनका नाम मानसिंह है। मानसिंह है क्या? तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अरे सिंह लोग तो इतना अच्छा काम करते, लोगों को खाना खिलाते। अभी मीका सिंह देखो कितने लोग हैं, इतना अच्छा काम करते, लोगों को खाना खिलाते, लोगों को कितने सेवा करते, एक टांग पे खड़े रहते, यू नो, सबकी सेवा करने के लिए। सिंह लोग, सिंह इज किंग। ये मानसिंह तुम कौन सा भूत का गाना बना रहे हो, और ऐसा तुमने कौन सा भूत देख लिया जो तुम इतनी गालियां दे रहे हो? हैं और बताओ
यार ये इस बंदे को किसी को पकड़ के लेकर आओ एक दिन मेरे पास। कैसा कैसा रिएक्शन था आपका जब आपने पहली बार ये गाना देखा? बोले यार इनको कोई और लिरिक्स नहीं मिले क्या, इन्होंने मेरे पे ऐसा गाना बना दिया, बताओ मैं कहाँ से भूतनी लगती हूँ। उसने भूत बोला, और वो भी मैं नहीं हूँ, वो जूली है बिग बॉस की। अगर आपको जूली से मिलना है तो आप बिग बॉस में जाओ, वो उधर रहती है टॉयलेट में रहती है जूली। हाँ बिग बॉस के घर में रहती है जूली, जूली बाहर नहीं है। आप डरते कि नहीं? देखो हर इंसान में स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, यू नो मैं तो खुद से बातें करती हूँ भाई, दूसरे के पास टाइम थोड़ी आजकल के तारीख में बातें करने के लिए, मैं तो खुद से बातें करती हूँ, कभी कभी करना भी चाहिए। आपको डर लगता है राकेश जी भूत से? क्या भूत आपसे डरते हैं? मैं कभी कभी सोच रही मैं अपना बर्थडे मनाऊँ शमशान घाट में। हाँ मुझे कभी कभी फील होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे, हैप्पी बर्थडे राकेश सावंत बोलेंगे। जाऊंगी मेरे बर्थडे में शमशान घाट में, केक काटूंगी और वो गाना गाएगा भूत 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 की माँ की, फिर उसको कैसे फिर कैसे भूत उसको अंदर डायरेक्ट ले लेंगे ना, पता चलेगा उसके शरीर में पूरा भूत आ जाएगा। नहीं नहीं भूत को कभी इन्विटेशन नहीं देना चाहिए बाबा, तबा तबा प्रभु मुझे माफ करना, भूत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ भूतों का मजाक नहीं उड़ाना, में खड़े सुन रहे होंगे तो क्या पता किधर खड़े हैं। नहीं ये तो अंकल है अपने। अंकल वो से क्या लगी कल सनी गए थे अपने स्टोरी भी रखी थी। बस करो बिग बॉय हट रख हट सनी हट सनी सनी के बारे में क्या वही तो हटा रहे थे। अरे तुम मैं भूतों को हटा रहा हूँ तो बीच में सनी सनी कर मैं सोचते उन्हीं को हटा रहे सनी का फैन है। सनी तो बहुत क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा सनी, बहुत सनी और उनके हस्बैंड बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे हैं। पहले मेरे दिमाग में थोड़ा वो बहुत पहले बहुत ऐसा था, अभी मैं सुधर गई हूँ। अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ बिकॉज मुझे ना सलमान जी ने सुधार दिया है टोटली। सलमान जी ने मुझे हमेशा बोला है कभी भी ऐसी कोई हरकत मत करना, मैं बाहर तेरे पे नज़र रखूँगा अंदर भी और बाहर भी। मैंने बोला ओके भाई प्रॉमिस यू मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलूँगी। सलमान जी मेरा भाई है और उन्होंने मुझे सुधार दिया है। अमिताभ बच्चन जी मुझे करोड़पति में आना है और मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे एक बार अपनी तकदीर को आजमाना है और हॉट सीट पर बैठकर मुझे मेरी माँ के कैंसर के लिए, क्योंकि कैंसर एक ट्यूमर तो निकाल दिया, रेडिएशन भी हो गया है, बट मेरी माँ के सारे जो दांत है वो सब गिर गए, बाल भी गिर गए, तो ये तो इलाज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मम्मी को रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो मुझे अमिताभ बच्चन जी आप मुझे जल्दी से करोड़पति में बुलाइए। करोड़पति नहीं है बनी तो लखपति तो बनी सकती हूँ, मुझे रोड़पति से लखपति बना दीजिए आप। और अमिताभ बच्चन जी आपने मेरी दादी का ऑपरेशन कराया था आज से 20 साल पहले, वाल बोलते हैं ना अंदर क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का ट्यूमर का ऑपरेशन कराया था, वो ठीक हो गई थी, फिर 2 साल के बाद वो गुजर गई। तो मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस में मेरी मॉम भी आई थी और आपने मेरी माँ को बहुत सपोर्ट किया था बिग बॉस में। आपने एक बार फोटो डाल के ये बताया था बच्चन साहब के बारे में। कम यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा पीछे ले कैमरा मार बड़े। हाय आपका नाम? हाय बस इट स्टार प्लस। ओह स्टार प्लस सॉरी नो पीछे करने तुम्हें पीछे ने भेजा है? मुझे लगा अमित जी ने भेजा मेरे लिए करोड़पति में लेके जाओ। तो गाइस मैं चाहती हूँ कि अमित जी मुझे जल्द से जल्द आप करोड़पति में बुलाए। आप सबको चांस देते हो, सबको करोड़पति बनाते हो, तो मुझे मेरी माँ के लिए लड़ना है। मेरा जीक्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जीक्यू होता है जीक्यू बोलते ना, जीके जीके आईक्यू आईक्यू जीके आईक्यू आईक्यू मेरा जीक्यू आईक्यू जनरल नॉलेज मेरा अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए हॉट सीट पे बैठकर। तो अच्छा तुम दो चार सवाल पूछो ना मुझे, अगर मैं आपके सवालों में जवाब आप जवाब में अगर मैं पक्की हुई तो आवाज ही बंद हो गई है। अरे तो फिर अच्छा आपका एक नया गंदा सा गाना आया हुआ है भूत 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 की माँ। अरे बहुत गंदा गाना है, बहुत क्या करना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए ना, नहीं देखा जरूर देखना। आपके हस्बैंड है क्या? चार लाल टी शर्ट में आ जाओ भाई आ जाओ। अरे भाई बोल दिया मैंने,
ठीक है, हो गया फोन को? अरे इधर आ जाओ, फोन को ठंड लग रही है क्या? आ जाओ पिछले पंकज इधर आ जाओ, आप भी घुस जाओ पीछे, आप पीछे पीछे जाओ, खुद का लिए अपने हस्बैंड का भी तो लो। अरे तब तक वो आए ही नहीं, पीछे का ना बस। हां ले लो, हो गया? हां हो गया, चलो हो गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। देखो बराबर हमारे हस्बैंड बराबर आया नहीं है, पूरा चिपक के बैठे हुए। थैंक यू करोड़ा, थैंक यू सो मच। ओ वीडियो भी ले ली, ओके बाय बाय। सो गाइस आप लोग मुझे करोड़पति में जाना, अमिताभ बच्चन जी मुझे आना है, सपोर्ट करो, और मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे लड़ना है। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, कैसा भी कैसा सवाल पूछो यार, दो चार सवाल पूछो, क्या मैं कर सकती हूँ? प्लीज ऐसा कोई सवाल मत पूछना जहाँ मेरी बुद्धि ना जाती हो। थैंक यू। नहीं मैं हिंदी में जाऊंगी, मराठी में कौन कर रहा है? तो मराठी में भी जाऊंगी, वहां से भी थोड़ा माल उठाऊंगी, थोड़ा अमिताभ बच्चन से भी माल उठाऊंगी, सब जगह से मेरी माल उठाऊंगी मेरी माँ के लिए। अगर तेलुगु में हो रहा है तो उधर भी जाऊंगी, हर जगह से मेरी माँ के लिए। यार बिग बॉस भी है मराठी में, मराठी में बिग बॉस भी चल रहा है। अरे वो तो सरप्राइज रहने दो, मराठी पकड़ना पड़ेगा। इधर है, इधर काम उधर है। अरे तुम कहाँ करोगे फोटो लेकर, हैं कहाँ करोगे तुम फोटो लेकर? मेरा तलाक करवाओगे क्या अपना? हैं चल ले लो, ले लो, रही में डला जाओ, छप जाओगे, ले लो। अरे बंद तो करो भैया, एक बार भूत 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 की माँ की, आगे मुझे नहीं मालूम, हम जोड़ लेंगे।